इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही कुछ नीचे कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, यह सिलसिला शुरू होता है टिकटॉक स्टार फेसबुक के अपने टिकटॉक अकाउंट में एक हेटफुल क्या कहें इसको, कहते हैं टेररिज्म प्रमोट करने वाले एक वीडियो डालने के बाद। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले वो वीडियो देख लेते हैं। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें ये बदला लेने के लिए बात कर रहा है, तो फिर ये वीडियो अपलोड होने के बाद उसको काफ़ी सारे हेट मिले और उसका टिकटॉक आईडी भी बैन कर दिया गया है, और उसका जो नया सॉन्ग रिलीज हुआ था जी म्यूजिक में, तो उसको भी यूट्यूब से टेक डाउन कर दिया गया है। तो यह तो काफ़ी अच्छा हुआ। तो फिर ये आदमी इतना बेशरम है कि इसने माफ़ी मांगना भी ज़रूरी नहीं समझे एक वीडियो बनाकर, इतने सिर्फ अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना तो यही है कि इसका टिकटॉक आईडी जो है इसको परमानेंटली बैन ही कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, वहाँ पर ये बदला लेने के लिए बात कर रहा है, आतंकवादी बनने के लिए बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका अगर आप फॉलोअर्स को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका छोटे बच्चे फॉलोअर्स है, तो सोचिए ये छोटे बच्चों कैसे धर्म के नाम पर उकसा रहा है। तो इसका मेरा तो मानना है कि इसका आईडी को परमानेंटली बैन ही कर देना चाहिए। तो आपका क्या मानना है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, ये हिंदुस्तान हमारा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।